आप कंटेंट क्रिएटर हो, डेली बेसिस के ऊपर अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हो, इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, लेकिन अब इतना ज्यादा कंटेंट नहीं होता आपके पास कि आप डेली पोस्ट कर सको। डेली रिसर्च करनी पड़ती है अपने कंटेंट के ऊपर ताकि वो वायरल टॉपिक हो और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आए। तो कंटेंट आइडियाज बहुत मैटर करते हैं आपकी वीडियोस के लिए। तो ये वीडियो एक डिटेल वीडियो है कंटेंट आइडियाज से रिलेटेड कि आप कौन कौन सी साइट के ऊपर जाकर ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करोगे अपने चैनल के लिए और उनके ऊपर आप वीडियोस क्रिएट करोगे। किसी भी नीच से रिलेटेड आपका चैनल है, 5 to 6 ऐसी वेबसाइट आपको बताऊंगी जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करोगे अपने चैनल के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चले सीखना शुरू करते हैं। अब कंटेंट फाइंड करना है हमने, तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक कर दूंगी और यहाँ से अपने पास पिंट्रस्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूंगी। पिंट्रस्ट की एप्लीकेशन जब मैंने इंस्टॉल करती तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मेरे पास जस्ट ओपन का ऑप्शन है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल है। अब मैं क्या करूंगी, पिंट्रस्ट पे क्लिक कर दूंगी और इस तरह से इसका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ कंटेंट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे वो अवेलेबल है। ये सारे रिटर्न फॉर्म के अंदर है, आपने इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट करनी है तो आप इनका कंटेंट यहाँ से ले सकते हो, कोई कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं मिलेगा। नीचे सर्च का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी नीच से रिलेटेड लिख सकते हो, लेट्स पोज हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसके अलावा फ्री ऑनलाइन अर्निंग एप्स, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख के सर्च कर दोगे तो उससे रिलेटेड नीचे वैरायटी ऑफ कंटेंट आपके पास आ जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट। ये देखें, ये लिखने के बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें बता रहे हैं कि किस तरह स्टूडेंट अर्न कर सकते हैं मनी। अब इनमें से किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर या किसी भी एक थंबनेल के ऊपर आप क्लिक करो, लेट्स सपोज अब यहाँ पे 9 ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट टू अर्न मनी, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे मैं रीड इट के ऊपर क्लिक करूंगी। रीड इट के ऊपर जब मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये सारा इनका आर्टिकल ओपन हो गया है और ये इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस चीज से रिलेटेड। तो देखें, आप इनका सारे का सारा कंटेंट भी देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कि किस तरह स्टूडेंट अर्न कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, 11 to 12 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखो, ये आपके पास कंटेंट है, अब इसके ऊपर भी आप अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। तो देखें, अब अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, आप नहीं रीड कर सकते सही तरह से, आपको इस काम के अंदर इंग्लिश की भी नहीं जरूरत है, जस्ट आपने इनके टेक्स्ट को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू के ऊपर चले जाना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप कंटेंट इसी तरह से फाइंड करोगे कि आपके पास कंटेंट जब आ जाएगा तो आपने जस्ट उस कंटेंट को अगर इंग्लिश के अंदर है तो यहाँ से इसे ऐसे क्लिक करके आपने इसे सारा कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगी और मैं अपने पास चली जाती हूँ गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर चली जाके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू। ये लिख के जब मैंने सर्च कर दिया तो अब मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पे सारा पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे जब मैंने अपना सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दिया तो ये देखिए, उन्होंने उर्दू के अंदर सारा मुझे बता दिया। अब ये आपके पास एक कंटेंट है, आप उस सारे आर्टिकल को उर्दू की फॉर्म के अंदर लेकर आ जाओ और उसके ऊपर जस्ट अपना वॉइस ओवर दो, ऑडियो क्रिएट करो और किसी भी फ्री वेबसाइट से आप पिक्चर्स लेके, जैसे पिक्सल की साइट है वहां पे आप जाके फ्री पिक्चर्स दो, पिक्चर्स के ऊपर आप अपना वॉइस ओवर देके अपने चैनल के लिए वीडियोस क्रिएट करो। पिक्सल की साइट में लिख के सर्च कर दूंगी तो देखें, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चीज लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो टेक्नोलॉजी जब मैं लिख के सर्च कर दूंगी, टेक्नोलॉजी जब ये देखें मैंने लिख के सर्च कर दिया तो मेरे पास इससे रिलेटेड फोटो भी है, वीडियोस भी है और इसके यूजर्स भी बताए हुए। तो आपने सिंपली क्या करना है, इनमें से किसी भी एक फोटो पे क्लिक कर देना है या वीडियो पे। मैंने इस फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर फ्री डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास पूरी 30 सेकंड की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, अनम्यूट भी कर सकते हो इसे। अब आप इस वीडियो को यहाँ से फ्री डाउनलोड कर दोगे, डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास सेव हो जाएगी। आपने जो कंटेंट लिया था उसे आपने उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर देना है और उसके उसका वॉइस ओवर देके इस तरह से वीडियो क्रिएट करके पोस्ट कर देना है। ज्यादा जल्दी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रो करने के चांसेस हैं और अर्निंग के चांसेस ज्यादा हैं। अब लेट्स सपोज आपको कोई भी कंटेंट मिल गया है अपने टॉपिक के लिए, टाइटल कैसे लिखोगे? तो टाइटल लिखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपने पास गूगल ट्रेंड की एप्लीकेशन ओपन कर देनी है। अब जैसे गूगल ट्रेंड की एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो गई है तो फर्स्ट आइकन के अंदर आपने लिखना है फ्री अर्निंग वेबसाइट, जैसे कि अभी हमने पिंट्रस्ट से एक कंटेंट लिया था तो उसके लिए ही हमें टाइटल चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ फ्री अर्निंग वेबसाइट। अब देखें, ये ब्लू लाइन के अंदर जो ग्राफ मुझे शो हो रहा है ये बताता है कि पास्ट डेज के अंदर कितनी इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं। अब अगर मुझे इसका कंपैरिजन चाहिए तो मैं ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट लेके सर्च कर देती हूँ। तो ये देखें, दोनों का कंपैरिजन आ गया, रेड का ग्राफ हाई है तो मतलब वो कंटेंट, वो टाइटल मेरे लिए बेस्ट है। अब इस टाइटल का सर्च वॉल्यूम या टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, गूगल पर रैपिड टैग लिख के सर्च कर दूंगी। रैपिड टैग लिख के मैंने जब सर्च कर दिया तो अब जिसका ग्राफ हाई था रेड वाले का, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट का ग्राफ हाई था, उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना।
देना है तो उससे रिलेटेड ये मुझे सारे टैग्स दे देंगे। अब हमारे पास कंटेंट भी आ गया है, इसके अलावा टाइटल भी हमें मिल गया है और टैग्स भी हमें मिल गए हैं। तो इस तरह से हम कंटेंट फाइंड करेंगे अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। तो पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन बहुत बेस्ट है और यहाँ पे वैलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सारी थी वो वेबसाइट हमारे पास जहाँ से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट फाइंड करेंगे। इनमें से किसी भी साइट के ऊपर आप जाओ, अपना ऐप टॉपिक सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर आप उन्हें डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर और एक्सप्लोर करो कि आइदर इसका ट्रेंडिंग वॉल्यूम है या नहीं है। तो जितना उसका वॉल्यूम होगा तो इतना ही चांसेस है ज्यादा टॉपिक वायरल हो और ज्यादा टॉप पर आपकी वीडियोस आए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस के लिए कंटेंट फाइंड करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।